दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जी हाँ, बहुत ही सच क्या आता है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ पर हम बात करेंगे फुल लैपटॉप गाइड 2022 में। यानी अगर आप 2022 में लैपटॉप खरीदते हो, वर्क फ्रॉम होम आप कर रहे हो, तो मैंने इसको ध्यान में रखा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनके लिए कौन से लैपटॉप अच्छे हो सकते हैं। लैपटॉप गाइड में बताने वाला हूँ कि कौन कौन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी जब भी आप लैपटॉप बाय करने जाते हो, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों में ही आपको ये स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं। तो मेरे लिए वीडियो 10 स्टेप्स मैंने डिवाइड की हुई है, टाइम स्टेप्स भी आपको मिल जाएंगे, तो इससे आपकी और भी हेल्प हो जाएगी। जी हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपका प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो आपका लैपटॉप है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी कम हो जाएगी, कुछ समय बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैंग करने लगेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंटेल के प्रोसेसर ले रहे हैं तो आपको i3 i5 मिनिमम लेना है, और राइजन पर जा रहा है तो Ryzen 3 या Ryzen 5 लेना है। और याद रखिए कि इसमें आपकी जनरेशन है वो लेटेस्ट होनी चाहिए। जैसे कि इंटेल में बात करें तो अभी 11th जनरेशन लेटेस्ट चल रही है, तो 10th 11th अगर आपको ऑप्शन मिलते हैं तो आप उस पर जा सकते हैं। डिस्प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और डिस्प्ले अच्छी होनी भी चाहिए। तो आप कोशिश करें कि आपको जिस भी प्राइस में आप लैपटॉप ले रहे हैं तो आपके पास अगर फुल HD का रेजोल्यूशन का ऑप्शन है तो आप उस पर जा सकते हैं। और साथ में इसमें एक चीज़ और होती है जो होती है Anti-Glare Display। Anti-Glare Display क्या होता है, उसमें व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, कलर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो Anti-Glare Display आपको अगर मिल जाती है तो आप उस पर जरूर से जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपका डिस्प्ले का एक्सपीरियंस हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि अगर आप आज भी हार्ड डिस्क यूज़ करते हो तो काफ़ी आउटडेटेड हो गई है, और लैपटॉप की 50% से ज़्यादा परफॉर्मेंस जो स्टोरेज या हार्ड डिस्क उस पर डिपेंड करती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपके पास अगर SSD का ऑप्शन मिल रहा है तो आप ज़रूर से जा सकते हैं। अगर कुछ पैसे ज़्यादा भी लग रहा है ना तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहे कि आप SSD में ही जाएं, क्योंकि हार्ड डिस्क बहुत ही स्लो होती है, जो भी एप्लीकेशंस जो भी आप वर्क करते हो बहुत ही स्लो हो जाता है। अगर आपके पास 512 GB का SSD का आपका मिल रहा है ऑप्शन तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको फिर हार्ड डिस्क की भी जरूरत नहीं है, आपका इतना स्टोरेज 512 GB में काम चल जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। मतलब मैं कहता हूँ कि 10-20 times फास्टर होता है हार्ड डिस्क से SSD। रैम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो भी आप एप्लीकेशंस रन करते हैं क्रोम वगैरह तो उनमें रैम की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी रैम बहुत कम है तो आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो लैग करेंगे और आपकी परफॉर्मेंस भी इस पर डिपेंड करती है। तो क्या करना है आपको, आपको एटलीस्ट कोशिश करना है कि आपको 8 GB रैम मिल जाए, ठीक है। अगर आपको बजट बहुत टाइट है, आपको 8 GB रैम नहीं मिल रही है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 4 GB रैम आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें कोशिश की जाए कि आपको रैम एक्सपेंशन यानी कि रैम एक्सपेंडेबल का ऑप्शन मिल जाए। मोस्टली लैपटॉप प्रोवाइड करते हैं कि आप 4 GB 8 GB 12 GB 16 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आप एक्सटेंशन जरूर देखिए कि आप 8 GB भी ले रहे हैं ना तब भी आप हो सके आपको एक्सपेंडेबल मिल जाए, क्योंकि इन फ्यूचर में जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप रैम को एक्सपेंड कर पाए। इसके बाद आपको पोर्ट्स का भी ध्यान रखना है, कई लैपटॉप्स में पोर्ट्स नहीं होते, इसके बाद प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। तो USB जो पोर्ट्स होते हैं, USB वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा माउस वगैरह और काफ़ी ज़्यादा आप जो डिवाइसेस लगाते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस वो सारी पोर्ट्स पे ही डिपेंड करती हैं। तो अगर आपके पोर्ट्स हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर आपके में Type-C पोर्ट प्रोवाइड की गई तो आप बहुत बढ़िया, क्योंकि डेटा सिंक में और भी चीज़ों में काफ़ी फास्ट हो जाता है लैपटॉप अगर आपके में Type-C अवेलेबल है, और साथ में 3.5 mm जैक जिसमें आप ईयरफोन्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल जो पोर्ट्स होते हैं एक लैपटॉप में वो सारी होनी चाहिए। ग्राफिक्स कार्ड मेरे रिकमेंडेशन में ऑप्शनल रहेगा, क्योंकि अगर आप गेम्स वगैरह नहीं खेलते तो आपका SSD से भी काम चल जाएगा। जी हाँ, SSD काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है, गेमिंग वाला काम नहीं है, गेम आप नहीं खेलते हो और बहुत ज़्यादा हाई एडिटिंग नहीं करते हो, वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो आप क्या कर सकते हो, बिना ग्राफिक्स कार्ड वाले भी जा सकते हो, आपके कुछ पैसे भी बच जाएंगे। कुछ समय से लैपटॉप प्रोवाइड करने लगे हैं एक HD कैमरा। जी हाँ, 720p का अगर आपको कैमरा मिल जाता है HD कैमरा तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो आपको बढ़िया क्वालिटी दे देगा और वीडियो कॉलिंग वगैरह में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब अगर आप खरीदते हो आफ्टर सेल्स आपको सर्विस उसकी कैसी मिल रही है, क्योंकि कभी भी प्रॉब्लम आपके लैपटॉप में आ सकती है। आपकी वारंटी है अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कई बार वारंटी के चक्कर में लोग ये चेक नहीं करते कि हमारे जहाँ पे हम अवेलेबल है वहाँ पर उसका सर्विस सेंटर है या फिर नहीं। अगर आपके सिटी में सर्विस सेंटर नहीं है और आपको काफ़ी दूर जाना पड़ेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जब भी आपका लैपटॉप कोई भी इशू आता है तो आपको दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा, इसके बाद फिर आपको उसको रिपेयर करना पड़ेगा, फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
बैटरी बैकअप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बैटरी बैकअप नहीं है तो आप फिर आपका लैपटॉप किस काम का, ठीक है, फिर तो आप कंप्यूटर ही चला लीजिए। क्योंकि बैटरी बैकअप अगर आपके में अच्छा हुआ तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आपके में पावर कट हुआ आपके यहाँ या फिर कभी भी आपको ट्रैवल में यूज़ करना है तो आपके अगर बैटरी बैकअप अच्छा है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर 5 घंटे से प्लस आपका बैटरी बैकअप दे रही है कंपनी तो ये अच्छा रहता है। क्योंकि आपको जब भी आप ट्रैवल करते हो, जब भी आप ऐसा काम करते हो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अपना वर्क कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आपको स्टडी पर्पस से, अगर आप किसी पर्पस से देखें तो नाइट में लैपटॉप अगर आप यूज़ करते हैं ज़्यादा आपका वर्क रहता है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाए जिसमें आपको बैकलाइट प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आपको नाइट में लैपटॉप यूज़ करने में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये थी मेरी तरफ से स्टेप्स जो कि आपको ध्यान में रख सकते हैं जब आप लैपटॉप बाई करने जाएं। फिर भी कोई आपकी क्वेरी रह गई तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं भाई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन थैंक यू।